तो स्वागत है आप सबको फिर से मेरे चैनल में। एंड आज का ब्लॉग फिर से कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। एंड हाँ, ठीक ही देखा आपने, आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 का लॉन्चिंग डे। एंड आज कल रात को ही मुझे रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से कॉल आया क्योंकि आज उनका इनॉग्रेशन या फिर लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो उन्होंने इनवाइट किया मुझे। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बारासात में, जहाँ से मैंने अपना ये तूफ़ान लिया था रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। तो अभी मैं जा रहा हूँ बारासात की ओर। मेरे घर से तो लगेगा 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आज सब कुछ बताऊंगा बाइक के बारे में, बाइक का डिटेल्स, ओवरव्यू, रिव्यू, फर्स्ट हैंड सामने से अपीयरेंस कैसा है, माइलेज, एवरीथिंग सब बताऊंगा। और कितना कलर्स है सब कुछ बोलूँगा। आप लोग चैनल में रहना, मेरे साथ बने रहना, और प्लीज़ एक लाइक कर देना क्योंकि एक लाइक इक्वल्स टू एक मोटिवेशन, आप सबको ये पता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग लाइक करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही फ्री है गाइस, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ। एंड अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन एंड मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए, और मेरे साथ आज मेरे भाई सम्राट भी जा रहा है, तो ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं डायरेक्ट शोरूम में। गाइज अभी फ़िलहाल 10-15 मिनट हो चुका है घर से निकले हुए। एंड फाइनली मेरे सामने है बारासात के हलावत तला मोड़। ये पूरा जंक्शन टाइप एरिया है, मतलब यहाँ से आप बहुत जगह जा पाओगे। अरे यार, क्या चलती हुई बस में बच्चे को ले रहा है, पागल लोग। एंड तो यहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न होते ही हमारा शोरूम आ जाएगा, जहाँ पे आज का प्रोग्राम रखा गया है। ये है हमारा शोरूम एंड ये हम आ गए यहाँ पे। तो ये है शोरूम जहाँ पे आज इनॉग्रेशन होगा शॉटगन 650 का, और अंदर बाइक रखा हुआ है। मैं कुछ ही देर में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये है ये वाला शोरूम। सो गाइज मेरे सामने अभी यहाँ पे रैप किया हुआ है, रैप मतलब कवर चढ़ाया हुआ है। इसके अंदर है जो नया वाला मॉडल जो अभी लॉन्च हो रहा है आज, और वहाँ पे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। यही वाला मॉडल आज लॉन्च होगा यहाँ पे। कुछ ही देर बाद आप सबको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ये वाला इनॉग्रेशन करते हुए ये जो कवर्स है सब अनवील होगा, और इसके अंदर जो वाला कलर है वो आपको दिखेगा सिर्फ थोड़ी देर में। और तब तक प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो यहाँ पे पॉज करके गेस करो यहाँ पर कौन सा वाला कलर दिया है अनवील करने से पहले। तो ठीक है, अभी टाइम है 6:30 बजे, 6:15 हो चुका है। तब तक एक लाइक कर देना, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। प्लीज़ शेयर करो ताकि ये वाला इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। एंड ताकि और अगर आपको इसमें टेस्ट राइड का वीडियो भी देखना है तो कमेंट में बोल देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर टेस्ट राइड का वीडियो बनाऊँ। एंड क्या क्या देखना चाहते हो आप लोग वो मुझे बोलना, मैं वो कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इनोग्रेशन के वक्त। আপনাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো আজকের দিনে আমরা সবাই সকলে এখানে কেন একত্রিত হয়েছি তার কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের একটা স্পেশাল ডে। আমাদের রয়্যাল এনফিল্ড 650 সিসি শটগান নতুন নীতি মডেল আজকে এখানে উদ্বোধন হতে চলেছে। Shotgun represents a new proposition for each story over the years. হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা মেটাল কেসের সাথে এলইডি হেডলাইট রয়েছে যেটা একটা লুকসটাকে অনেক বেশি এনহ্যান্স করছে। দেন এর ট্যাঙ্কটা, এটা যেহেতু একটা রোডস্টার মোটরসাইকেল, টিয়ার ড্রপ শেপের ট্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। নেক্সট আছে ট্যাঙ্কের সাইজ রয়েছে আপনার 13.8 লিটারের ট্যাঙ্ক রয়েছে, 4.5 লিটারের রিজার্ভ রয়েছে। নেক্সট আছে সিটি, এটা কিন্তু অ্যাক্সেসিবল সিট রয়েছে, এটা ফার্স্ট টাইম রয়্যাল এনফিল্ডে এই অ্যাক্সেসিবল সিট ইউজ করা হয়েছে। এটা যদি রাইডার চাই এটা কিন্তু পিলিয়ন সিটটাকে রিমুভ করতে পারবে, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী পিলিয়ন সিটটাকে নিজে সেট করতে পারবে। এখানে একটা কি থাকবে পিলিয়ন সিটের মধ্যে, যেটা সাহায্যে আপনারা কিন্তু সিটটাকে সেট করতে পারবেন আবার রিমুভ করে দিতে পারবেন। তারপরে এই এলইডি হেডল্যাম্প রয়েছে, এলইডি হেডল্যাম্পের জন্য ভিজিবিলিটি তো অবভিয়াসলি ক্লিয়ার হবে এবং লুকসটাকে অনেক বেশি এনহ্যান্স করছে। সামনে সকার দেখতে পাচ্ছেন, সোয়া কোম্পানির সকার দেওয়া রয়েছে যেটা একটা জাপানিজ ব্র্যান্ড, যে কোনো প্রিমিয়াম সেগমেন্টে এই সকারটা ইউজ করা হয়। এলএসসি হুইল, এটা টিউবলেস টায়ার অ্যালয় হুইলস রয়েছে, ডুয়েল চ্যানেল এবিএস রয়েছে, ডুয়েল ডিস্ক রয়েছে। ফ্রন্ট হুইলের সাইজ রয়েছে 100/90 18 mm, আর রিয়ার হুইলের সাইজ রয়েছে 150/18 mm। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেমটা, ফ্রেম যেটা রয়েছে এটা স্টিল টিউবলেস প্রাইম ফ্রেম রয়েছে। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিনটা, এটা আমাদের সেই পরিচিত সুপার মেটিও 650 সিসির ইঞ্জিন যেটা রয়েছে, সেই ইঞ্জিন একই ইঞ্জিন এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। প্যারালাল টুইন ফোর স্ট্রোক এয়ার অয়েল বলে ইঞ্জিন রয়েছে। ইঞ্জিনের টর্ক রয়েছে 34.6, 7250 আরপিএম রয়েছে, আর 52.3 mm টর্ক রয়েছে, 5650 আরপিএম। এছাড়া ফ্রন্টে এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রিমিয়াম হ্যান্ডেল বার রয়েছে, ফ্রন্টে ডিজি অ্যানালগ মিটার রয়েছে উইথ ট্রিপল নেভিগেশন। এছাড়া রয়্যাল এনফিল্ডের এখন প্রত্যেকটি বাইকে যেটা রয়েছে ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। এর ব্যাক সাইড হচ্ছে লেফট সাইডে প্যাডেল বক্স রয়েছে, ওর মধ্যে ইউএসবি চার্জিং পোর্টটা পাচ্ছেন। আর রাইট সাইডে যে প্যাডেল বক্স রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে উইন্ডম টেকনোলজি। উইন্ডম টেকনোলজি আমাদের সুপার মেটিও 650তেও রয়েছে। এটা একটা ই সিম থাকে, ই সিমটা আপনি আপনার মোবাইলের সাথে গাড়ির কানেক্ট করতে পারবেন, আপনার গাড়ির যে কোনো মুভমেন্ট আপনি কিন্তু আপনার ফোনের সাহায্যে দেখে নিতে পারবেন। गाड़ी का पूरा स्पेसिफिकेशन क्या है, तो दो चीज़ इसमें मिसिंग था। तो पहला है इसका जो सीट हाइट है 195 एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 140 है। तो ये है पूरा गाड़ी का ओवरऑल पूरा रिव्यू। मैं इसको बैठ के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। मेरा हाइट है 5.8 इंच का, सॉरी 5'8" और मेरा पैर पूरा नीचे जमीन पे टिक रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस या फिर सीट हाइट है वो इजली जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं वो भी चला पाएंगे। और इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो ये सुपर मीटियोर की तरह है, लेकिन इसका फुटरेस्ट एकदम मीटियोर की तरह रखा गया है। सुपर मीटियोर में आपको पैर यहाँ पे रखना पड़ता है और यहाँ पे इसका पैर एकदम सीट के एकदम पैरेलल रखा गया है। और अभी मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ एक बार, तो एक बार इसके इंटरनेशनल क्लस्टर देखिए। अभी इसका जो मेन है, इसका जो मेन चीज़ है इसका आवाज़ वो सुनिए। और चीज़ इसका जो हैज़र्ड इंडिकेटर है, इसका हैज़र्ड इंडिकेटर एक बार देख लो। यहाँ पे देखो ये हैलोजन की, इसका जो हैज़र्ड है तो ये भी रेट्रो क्लासिक के तरह ही इसका हैज़र्ड इंडिकेटर रखा गया है। ये एलईडी में नहीं है, हैलोजन में ही दिया गया है ताकि इसका रेट्रो रॉयल एनफील्ड का लुक बरकरार रहे इसके साथ। और ठीक है, इसके साथ मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वाला जो है आपको लगेगा कि ये वाला सिंगल सीट है, लेकिन ये आप इसको डुअल सीट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके साथ एक डिटैचेबल एक सेगमेंट आता है जहाँ पर आप इसके साथ एक और सीट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका लॉक है, तो ठीक है, तो यही है इसका पूरा ओवरऑल लुक। एंड गाड़ी का जो साइलेंसर का जो बेस है बहुत ही बुलंदी है, जैसे रॉयल एनफील्ड का बेसिक इसका दिया जाता है, फोकस किया जाता है, तो इसका बहुत ही हाई बेस है। तो ठीक है, मेरी तरफ से5 केजी मतन हो गए इजिली। सो गाइज, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो है इसका वेटिंग पीरियड। ये चीज़ कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इसका जो वेटिंग पीरियड है वो है अभी लगभग 3 मंथ्स। तो अगर अभी कोई बुक करेगा तो मार्च अप्रैल के तक ये वाला गाड़ी मिलेगा उनको। और टेस्ट ड्राइव जो करना चाहते हो बारासत के शोरूम में, वो भी अभी नेक्स्ट मंथ, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। फिर भी मैं एक बार कंफर्म होकर बोल दूँगा। हाँ, टेस्ट ड्राइव ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च 15 के बाद से आप लोग टेस्ट ड्राइव के लिए यहाँ पे आ सकते हो। एंड अगर आपका घर दूर है तो यू कैन टेल देम, वो आपके लिए टेस्ट ड्राइव अरेंज कर देंगे। एंड तो यही था पूरा चीज़। और इसमें 3 कलर आते हैं फिलहाल। एक है इसका टॉप मॉडल जो वाइट एंड ब्लैक में है। एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 4,33,000 इन वेस्ट बंगाल कोलकाता। एंड इसका अलग अलग स्टेट में इसका प्राइस वेरी होगा, तो प्लीज़ ये वाला प्राइस देख के मत बोलना कि मुंबई में ऐसा क्यों है, बेंगलोर में क्यों है, कानपुर में ऐसा क्यों है। तो हर स्टेट में इसका अलग अलग प्राइस होता है। तो तीनों मॉडल का जो प्राइस है मैंने स्क्रीन में भी दिखाया था, तो वहाँ से देख लेना। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं यहाँ का नंबर दे दूँगा, आप लोग खुद यहाँ पे फ़ोन करके पूछना। अगर खरीदना भी चाहते हो तो यहाँ पे उनको बोलना। तो ठीक है, चलो। तो मेरे सामने यहाँ पे ऑथराइज रॉयल एनफील्ड सर्विस का स्टाफ है, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। आप खुद अपने सुन लीजिए इनके मुँह से। तो मैम, आप बोल दीजिए कि यहाँ का जो टेस्ट ड्राइव होगा तो वो कौन से डेट से मिलेगा? टेस्ट ड्राइव बाइक मार्च 2 वीक से बाइक आएगा हमारे यहाँ पर, तभी से टेस्ट ड्राइव चालू होगा मार्च के 2 वीक से। अच्छा, और इसका वेटिंग पीरियड कितना है? 90 डेज है बुकिंग डेट से, 90 डेज वेटिंग टाइम। अच्छा, इसका मतलब सब वेरिएंट एक ही, मतलब 90 डेज के बाद ही मिलेगा? मॉडल बुक कीजिए, टॉप मॉडल, बुकिंग वेटिंग टाइम 90 डेज है। ओके, अगर इससे जल्दी हो तो वो, अगर वो आपके हाथ में है, वो आप कॉल कर लेंगे। अगर आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग वाइज गाड़ी एलोकेट होकर हमारे यहाँ पर आता है। हाँ। तो गाड़ी आने के बाद हम लोग कॉल कर लेते हैं कस्टमर को कि आपका बाइक आ चुका है। और बुकिंग फीस कितना है? 10,000। ओके, बाकी 650 का जो 10,000 बुकिंग अमाउंट है, इसका भी 10,000 ही बुकिंग अमाउंट है। अच्छा, तो आपको पर्सनली आपको कैसा लगा ये वाला मॉडल? क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल GT की तरह ही इसका सब फीचर्स है, सिर्फ थोड़ा इसका सिटिंग पोस्टर रोडस्टर की तरह है। तो आपको कैसा लगा? शॉटगन बहुत दिन से वेटिंग था कस्टमर को शॉटगन के लिए। ये थोड़ा कस्टमर होकर आया है। GT 650 हम लोग लॉन्ग टाइम से GT 650 देख रहे हैं, अभी कुछ नया आया है तो अच्छा तो बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, और इसका एक और स्पेशलिटी है, इसमें एयर प्लस ऑयल कूल दोनों होता है। हाँ, एयर ऑयल कूलिंग इंजन है। तो मेरे पास राजू भैया हैं यहाँ के, तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये आपको ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। अच्छा सर, तो आप थोड़ा बताइए कि ये एयर कूल प्लस ऑयल कूल का फीचर क्या है? देखिए, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो एयर बाय वर्ल्ड कूल है, ये इंजन से आपका जो मोबिल जो होता है वो आउट होता है, उसके बाद एयर से वो ठंडा होकर फिर इन होता है। ओके, यही टेक्नोलॉजी हो है वो, मतलब दोनों फीचर में ये काम करेगा, राइट? हाँ। तो ये सिर्फ इस मॉडल में है, GT में भी नहीं है, सुपर मीटियर में भी नहीं है? सुपर मीटियर में भी है, एयर कूल ऑयल कूल दोनों है। ओके, तो ओनली सुपर मीटियर में है और इस वाले मॉडल पर ले आया गया है। ओके, थैंक यू। एंड गाइस, इसका जो इंजन है ये सेम ही कॉन्टिनेंटल GT की तरह 650 सीसी का है, जहाँ पे 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और 47 BHP का आता है 7,250 RPM पे। तो यही था, चलिए बोलते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो शॉटगन 650 के बारे में। और अगर आपको इसका टेस्ट राइड वीडियो भी देखना है या फिर ऑन रोड रिव्यू देखना है तो आप कमेंट में बोलना, उसके बाद ही मैं इसे आके यहाँ पे टेस्ट राइड करूँगा। ये सिर्फ इसका इनॉग्रेशन वीडियो था। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है इसके बारे में और भी कि इन रोड इसका फीचर्स बताओ, क्या आप कर सकता है या फिर टर्निंग टॉर्क कितना है और रोड में चलाते वक्त, तो सब मैं बोलूँगा। अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो आप कमेंट में बोलो मुझे, तो मैं तब ट्राई करूँगा कि मैं इसके स्पेशल एक्सेस लेके इसको अभी मतलब 2-3 दिन के अंदर मैं अभी इसका टेस्ट ड्राइव लेके इसका वीडियो बनाने के लिए लेकिन उसके पहले इसके लिए आपको मुझे बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है तो कमेंट में बोलिए, उसके बाद ही मैं इसका टेस्ट ड्राइव लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार कितने लोगों को देखना है या फिर कितने लोगों को नहीं देखना है। तो ठीक है, चलिए इसके साथ ही ये वाला ब्लॉग यहाँ पे करते हैं। रात हो चुका है, 9 बज चुके हैं, तो बहुत देर हो गया है यहाँ पे इनॉग्रेशन करते करते। और कुछ भी रिव्यूज़, कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर जानना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा उसका प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ बताने के लिए आपको, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कंट्री मॉडल्स का नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट इनको कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी जानना चाहे तो आप बोल सकते हैं इनको, ये दे विल ट्राई देयर बेस्ट आपको हेल्प करने के लिए। तो चलिए, दिस इज़ कुणाल साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ एक लाइक कर देना, बिकॉज एक लाइक इक्वल्स टू 1 मोटिवेशन। एंड बाकी नए नए वीडियोज़ आएंगे बहुत ही जल्द, एक बड़ा ट्रिप मैंने प्लान किया है, वहाँ का वीडियोस भी आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन जो है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो दूंगा ना तो आपके पास वो, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। कुछ भी जानना हो तो पूछ लेना। बाय, टेक केयर, राइट सेफ। दिस इज कुणाल साइनिंग ऑफ।